दोस्तों, चीन जो कि खुद को सोल सुपर पावर आसान भाषा में कहें तो दुनिया की इकलौती महाशक्ति समझ बैठा था, उसका सपना अब चूर चूर हो गया। और इस सपने को तोड़ने के पीछे भी किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद शी जिनपिंग का हाथ है, क्योंकि चीनी इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का खात्मा होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे तेजी से बढ़ रहे चीन के इस प्रोजेक्ट का खात्मा तय माना जा रहा है। साथ ही हमारी दूसरी खबर भारत और रशिया को लेकर के है, क्योंकि जल्द ही भारत और रशिया के बीच में बैठक होने वाली है, जिसमें भारत और रूस टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं इस बैठक में रशिया भारत के लिए एक नई अप्रोच लेकर आने वाला है, जिससे वो भारत के हथियार के मार्केट में एक बार फिर से अपनी पुरानी वाली पकड़ को मजबूत करेगा। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और गलत फैसला ले लिया और इस फैसले का खामियाजा अब पूरे चीन को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल शी जिनपिंग के द्वारा लिए गए जिस गलत फैसले की बात हम कर रहे हैं, वो चीनी इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की है। इस प्रोजेक्ट को 2013 में शी जिनपिंग ने ही शुरू किया था और इसका मकसद ये था कि पूरे विश्व को एक साथ कनेक्ट करना, जिसके जरिए चीन पूरे दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट कर सके और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन जाए। चीन का ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा था। वहीं पर यूरोप के कई बड़े बड़े देश भी चीन के इस प्रोजेक्ट के समर्थन में उतर आए थे। इटली जो कि G7 का मेंबर है, उसने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब जब चीन की जालसाजी की परतें खुलते जा रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक देश इस प्रोजेक्ट से दरकिनार होते जा रहे हैं, जिसमें इटली भी शामिल है। हालांकि इटली अभी एग्जिट तो नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह यह है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, पहले उन्हें सॉल्व करना होगा, चीन के द्वारा दिए गए लोन को वापस करना होगा, तब जाकर कहीं इटली इस प्रोजेक्ट से एग्जिट हो पाएगा, जिसकी शुरुआत भी इटली कर चुका है। यदि इटली चीन के इस प्रोजेक्ट से निकल जाता है तो ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट से सभी यूरोपियन कंट्रीज ने किनारा कर लिया था। लेकिन इटली के ज्वाइन करने के बाद चीन ने सोचा कि पूरे के पूरे यूरोपियन महाद्वीप में BRI को फैला देंगे, लेकिन चीन का ये प्लान फ्लॉप होता जा रहा है। वहीं फिलीपींस ने भी ऑफिशियली अभी चीन के इस प्रोजेक्ट से खुद को एग्जिट कर लिया है। फिलीपींस के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाने से चीन को करारा झटका लगेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि फिलीपींस ने जब BRI को ज्वाइन किया था तो चीन की प्लानिंग ये थी कि जितने भी बाकी के साउथ चाइना सी वाले देश हैं, उन्हें BRI में लाएंगे, फिर उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे और कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद पूरे दक्षिणी चीन सागर को हड़प लेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति के कारण आज फिलीपींस जैसा इम्पोर्टेंट देश उनके हाथ से निकल गया, साथ ही साउथ चाइना सी भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ऐसे में साउथ चाइना सी का जाना चीन के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 40% व्यापार यहीं से होता है। वहीं पर इस एरिया में कई ट्रिलियन डॉलर के खनिज पदार्थ और मिनरल होने की भी संभावना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इस प्रोजेक्ट को शी जिनपिंग ने ही शुरू किया तो वो इसको खात्मे की वजह क्यों बनेंगे। तो दरअसल साल 2020 तक फिलीपींस और चीन के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन साल 2020 के बाद चीन ने अपने असली रंग फिलीपींस को दिखाना शुरू किया, फिलीपींस की नौसेना के ऊपर अटैक किए। वहीं कई ऐसे आइलैंड थे जहां फिलीपींस के लोग रहते थे, तो वहां फिलीपींस सप्लाई भेजता था, चीन ने उस सप्लाई को भी नहीं जाने दिया और कई लोग भुखमरी का शिकार तक हो गए। ऐसे में फिलीपींस की पॉलिटिकल पार्टी एंटी चाइना हो चुकी है, और हमने देखा है कि कैसे फिलीपींस ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद तक कर ली है। यही वजह है कि लगातार फिलीपींस और चाइना के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, और फिलीपींस चीन के BRI प्रोजेक्ट से भी एग्जिट हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी चीन के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां चीन को लगता था कि रूस उसका एक मित्र देश है, और भारत और चीन में जब रूस को किसी एक देश को चुनना होगा तो वो चाइना को ही सपोर्ट करेगा, ऐसे में रूस ने एक बार फिर से चीन जैसे देशों के सपनों को चूर चूर कर दिया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जल्द ही टेक्निकल कोऑपरेशन की बैठक होनी है, और इस बैठक के अंदर रशिया भारत के लिए एक नई अप्रोच लेकर आने वाला है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस डील प्रभावित हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए रूस भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। इन तकनीक के जरिए भारत रूस के हथियारों को ऑर्डर करके अपने यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत बना पाएगा। इतना ही नहीं, रशिया का भारत से ये भी कहना है कि भारत SU-57 फाइटर जेट के साथ SU-75 फाइटर जेट भी हमसे खरीद सकता है। भारत यदि रूस से ये फाइटर जेट्स खरीद लेता है तो रशिया के साथ यूक्रेन की कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए
जाए और कोई भी देश रशिया के ऊपर कितने भी सैंक्शन क्यों ना लगा दे, रूस से भारत जो भी हथियार लेना चाहता है वो सारे हथियार ले लेगा और रशिया हमें उसकी तकनीक प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद इन हथियारों को हम भारत देश के भीतर ही तैयार करेंगे। इस तरह का काम रशिया ने अभी तक किसी भी देश के साथ नहीं किया है, लेकिन भारत और रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसी तरह से साथ मिलकर डेवलप किया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे चलकर भारत और रूस इस तरह के एडवांस हथियार साथ में मिलकर विकसित करेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रशिया के इस ऑफर को क्या भारत को एक्सेप्ट करते हुए रूसी हथियारों को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।